हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सीरीज कनेक्शन। तो दोस्तों, ये जो है सीरीज कनेक्शन अजीब कनेक्शन है दोस्तों, और मैं जो आपको आज बताऊंगा वो कुछ अलग हिसाब का कनेक्शन होगा। वो जो कनेक्शन होगा दोस्तों, तो ये कनेक्शन होगा जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे एक सॉकेट और एक स्विच लगाएंगे और ये एक बल्ब है। तो दोस्तों, जब ये हम स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा डायरेक्ट, और दोस्तों जब ये स्विच हम ऑफ करेंगे तो ये सॉकेट जो है दोस्तों सीरीज में काम करेगा। जैसा कि दोस्तों ये मैं सॉकेट और स्विच फिट कर चुका हूँ, अब जो है दोस्तों इसका मेन कनेक्शन है और वो कनेक्शन समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये स्विच है, एक वायर को सॉकेट के एंड पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है और दूसरा वायर एल पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। अब ये जो दोनों वायर है दोस्तों, तो ये स्विच के दोनों पॉइंट पे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये फेज वायर जो है एक इसके साथ कनेक्ट करना है, और जो ये दूसरा वायर है दोस्तों, तो ये हमारे पास रेड वायर है, ये मेन फेज़ है, और इसको जो है दोस्तों ये मेन न्यूट्रल बनाएंगे। तो मेन फेज़ जो है दोस्तों ये दूसरे वायर के साथ कनेक्ट कर देना है स्विच के दूसरे पॉइंट पे। जैसा कि दोस्तों ये कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट, अब इसको एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये सॉकेट का सिंपल सी बात है, ये सॉकेट का दो पॉइंट है, एक एल एक एन। तो दोस्तों ये दोनों वायर जो है स्विच के दोनों पॉइंट पर कनेक्ट है, एक वायर होल्डर के साथ जो दूसरा वायर है इसके साथ कनेक्ट है, और दोस्तों ये दूसरा वायर जो है मेन फेज के साथ कनेक्ट है, और ये मेन न्यूट्रल जो है दोस्तों ये डायरेक्ट रहेगा। तो दोस्तों कनेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, अब दोस्तों ये किस हिसाब से वर्क करेगा, किस हिसाब से काम करेगा वो टेस्ट करा के आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास एक बोर्ड है और इसमें करंट चालू है। दोस्तों इसमें करंट जो है चालू है और ये बल्ब ऑन है। दोस्तों ये स्विच से बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, अभी ये स्विच से डायरेक्ट ऑन है। अब जो दोस्तों इसका ये सीरीज किस हिसाब से काम करेगा वो मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये स्विच ऑफ है, अभी ऑन करेंगे, ये बल्ब ऑन है, अब ये ऑफ है। तो दोस्तों ये सीरीज है, ये सीरीज में बल्ब ऑन हो रहा है और ऐसे डायरेक्ट है, ये काम नहीं कर रहा है। जब इसको बंद करेंगे तो दोस्तों ये सीरीज काम करने लगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।